जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग आ जाइएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए की आपकी टेस्ट सीरीज होगी। 4700 इसमें प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया, जो भी परचेस करना चाहते हैं मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर आप जाइए, डाउनलोड कीजिए इस ऐप को, जो भी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। सभी कवियों का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है। वह पत्रिका आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी वह पत्रिका थी, बताइए। तन्मय जी, नीतू जी और श्वेता जी और शिल्पा जी सभी लोग चयन करेंगे अंश जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है, तो वह पत्रिका कौन सी थी। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि सरस्वती। सरस्वती आपका विकल्प नंबर बी जो है आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर तनुजी नीतू जी सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पर दिया गया है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर क्या होगा। सही राइट आंसर रीनू जी बिल्कुल चयन कीजिएगा। टमाटर जी, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि वह मानी जाती है कौन सी। आप सभी का बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर जो 2 में दिया गया है डी, वह राइट आंसर होगा इंदुमती। इंदुमती आपका सही आंसर है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सही राइट आंसर तन्मय जी बिल्कुल सही, ओथेलो की या फिर मैकबेथ की या फिर टेम्पेस्ट की या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो इंदुमती जो है किसकी छाया मानी जाती है, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण पूछा गया है आपसे, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में विकल्प नंबर जो सी है, टेम्पेस्ट की। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर है, जिन्होंने यहाँ पर चयन किया है सी, उनका सही राइट आंसर है टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। इंदुमती ये किसकी कहानी मानी जाती है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, 4 का सही राइट आंसर क्या होगा, मास्टर भगवान दीन या फिर किशोरीलाल गोस्वामी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर वृंदावन लाल वर्मा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, 11 वर्ष का समय ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर 4 में सही राइट आंसर आ रहा है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर विकल्प नंबर सी सभी लोग बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी मानी जाती है 11 वर्ष का समय, जो कि कई बार पूछी गई है, महत्वपूर्ण कहानी है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया, राखी बंद भाई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। राखी बंद भाई, जयशंकर प्रसाद या राधिका रमण प्रसाद सह या वृंदावन लाल वर्मा या फिर मास्टर भगवान दीन, चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में सही राइट आंसर क्या होगा। 5 का नया जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्या होगा, सही राइट आंसर 5 में आप सभी का विकल्प नंबर सी जो है वह सही राइट आंसर है, यानी कि राखी बंद भाई कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प
यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है। वह कहानी आपके लिए बताना है कौन सी वह कहानी है, इंदुमती है या फिर प्रण यानी परिणय है या उसने कहा था या फिर दुलाई वाली, बताइए। 6 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस कहानी से माना जाता है, और 6 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर, सी लगा दें सही आंसर, बिल्कुल सही लगा दिया, उसने कहा था। उसने कहा था ये कहानी किनकी मानी जाती है, कमेंट में भी आपके लिए बताना है। उसने कहा था ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है उसने कहानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है, किस कहानी को हिंदी कहानी का माइलस्टोन कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, रक्षाबंधन या फिर पंच परमेश्वर या मन की चंचलता या फिर उसने कहा था। गुलेरी की, बिल्कुल सही, गुलेरी की कहानी मानी जाती है उसने कहा था, और आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर बताना है। 7 का सही राइट आंसर क्या होगा, किस कहानी को हिंदी कहानी का माइलस्टोन माना जाता है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है सागर जी वैसे ही राइट आंसर होगा, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है, इस कहानी को जो है हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा कि आधुनिक हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चयन करना है, जयशंकर प्रसाद को, प्रेमचंद्र को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को या फिर केशोरीलाल गोस्वामी को। आधुनिक हिंदी कहानी के जनक किसे माना जाता है, और 8 में आप सभी का अनिल जी सही राइट आंसर होगा, सुनील सिंह जी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। आधुनिक हिंदी कहानी के जनक माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चन सेन ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। बच्चन सेन ने माना है प्रण यानी परिणय को या फिर प्लेग की चुड़ैल को, मन की चंचलता को या फिर रक्षाबंधन को। 9 में चयन करना है, नामवीर जी क्या होगा सही राइट आंसर, ज्योति जी चयन कीजिएगा। बच्चन सेन ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है, और आप सभी का 9 में सही राइट आंसर आ रहा है, विकल्प नंबर 1 वाला जो है सही राइट आंसर होगा, प्रण यानी परिणय, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। इस कहानी को जो है बच्चन सेन ने हिंदी की पहली कहानी माना है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने, दिलीप जी जिन्होंने भी चयन किया है ए, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, 10वां क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, जयशंकर प्रसाद है, कौशिक है या फिर ज्वाला दत्त शर्मा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 पूछा गया है, और 10 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक, और विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, सी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर है, यानी कि कौशिक आपका सही राइट आंसर होगा। ये रक्षाबंधन कहानी जो है कौशिक जी की कहानी मानी जाती है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रेरणा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। प्रेरणा कहानी के लेखक आपके लिए बताना है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है या फिर शुक्ल जी है या जैनेन्द्र है। तो आप सभी का 11 का सही राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और प्रीति जी अपन ने इसको जो याद किया था कि जो प्रेरणा है किसी से भी जो प्रेरणा लेनी होती है तो कैसे लेना है, प्रेम से लेना है, प्रेम से प्रेरणा लेना है, तो प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र। और प्रेरणा कहानी मानी जाती है किनकी, प्रेमचंद्र जी की।
बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ सॉरी बी जो चयन किया है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है कि 12वां क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र आपके लिए बताना है कौन है, बताइए खालसा से है या फिर करतार से है, लहना से है या फिर परमिंदर से है, बताइए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया अनुराग जी, और उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र आपके लिए बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है लहना से। बहुत सारे लोग विकल्प नंबर सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया कर दिया यहाँ पर लहना से है। लहना से मानी जाती है, उसने कहा था ये गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है, इसी के प्रमुख पात्र लहना से है। हार की जीत कहानी के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, प्रेमचंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, जैनेन्द्र है या फिर इलाचंद जोशी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का सही राइट आंसर चयन करना है हार की जीत, रितेश जी तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर विकल्प नंबर आपका यहां पर 13 में जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर एक में प्रेमचंद्र आपका सही राइट आंसर होगा। हार की जीत कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर 13 में विकल्प नंबर ये जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है घीसु और माधव। प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है हार की जीत के हैं, शतरंज के खिलाड़ी, कफन या फिर बूढ़ी काकी, 14 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा बताइए। अमता जी, रविकांत जी, सभी लोग चयन करेंगे, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल तन्मय जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, घीसु और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र माने जाते हैं, तो 14 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, कफन के माने जाते हैं। कफन आपका यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए पंच परमेश्वर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, 15वां क्वेश्चन है कौशिक, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या फिर प्रसाद, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल रितेश जी पंच परमेश्वर कहानी के लेखक बताना है। जब अपन परमेश्वर की पूजा करते हैं तो भाई कैसे करते हैं, अपन प्रेम से करते हैं, प्रेम से करते हैं परमेश्वर की पूजा, पंच परमेश्वर की पूजा प्रेम से करते हैं, तो प्रेमचंद इसके जो है लेखक हो जाएंगे इस कहानी के। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है। जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपके लिए बताना है, ये अनुक्रम यहाँ पर दिए गए हैं चयन कीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है, सही राइट आंसर आपके लिए बताना है कौन सा सही राइट आंसर है, बताइए। तो ये कहानी संग्रह दिए गए हैं प्रसाद जी के, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में बात करें तो बी वाला विकल्प आपका प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जो है आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुंडा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए गुंडा कहानी है प्रेमचंद जी की, प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर यशपाल, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 पूछा गया है और 17 का सही राइट आंसर क्या होगा, हाँ दोनों की है सरिता जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। गुंडा कहानी के लेखक आपको बताना है किनकी मानी जाती है गुंडा कहानी, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा, जो गुंडे लोग हैं अगर अपन इनकी बात नहीं मानते तो ये क्या करते हैं, प्रसाद देते हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी मानी जाती है, कौन सी, गुंडा, याद रखिए विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 17 में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 पूछा गया है, दीवाली और होली कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 18 में आपके लिए बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। 18 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे यशपाल, भगवती चरण वर्मा, लीला चंद जोशी या फिर जैनेन्द्र, बताइए क्या होगा सही आंसर। दीवाली और होली बताना है कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा। 18 में सभी लोग बता रहे हैं कि जो विकल्प नंबर आपका सी है, यानी कि दिवाली और होली अपन कैसे मनाते हैं, जोश से मनाते हैं। जोश से मनाते हैं कि नहीं मनाते, मनाते हैं जोश से। तो इलाचंद जोशी, जोश से जोशी हो जाएगा, इलाचंद जोशी जी की कहानी मानी जाती है कौन सी, दिवाली और होली। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा गया है, नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। 19 में आपको चयन करना है यशपाल है या फिर जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी है या भीष्म साहिनी है। 19 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, टमाटर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर 19 में आपका सही राइट आंसर जो है वह बी राइट आंसर होगा, जैनेन्द्र। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, जैनेन्द्र माने जाते हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर टमाटर जी, बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि डायरी के नीरज पृष्ठ कहानी के लेखक कौन है, बताइएगा। इलाचंद जोशी है, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है या यशपाल है। 20 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए डायरी के नीरज पृष्ठ कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, डायरी के नीरज पृष्ठ ये जोशी जी की कहानी मानी जाती है, इलाचंद जोशी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर जो है चयन किया है कि विकल्प नंबर एक में सही आंसर लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मकरील कहानी के लेखक आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है यशपाल है, इलाचंद जोशी है, जैनेन्द्र है या फिर भगवती चरण वर्मा है, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, मकरील कहानी के लेखक आपके लिए बताना है 21 में, और 21 का सही राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 21 में आपका जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर एक यानी कि यशपाल, यशपाल आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर एक सभी लोग चयन कर रहे हैं, उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है, पिंजरा कहानी के लेखक हैं, पिंजरा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, मुक्तिबोध है, यशपाल है, उपेंद्रनाथ अस्क है या फिर इलाचंद जोशी है। 22 का राइट आंसर यानी कि 22 का सही राइट आंसर चयन करना है क्या होगा, स्वतंत्र गुप्त जी बताइए। और पिंजरा, पिंजरा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर, देखिए जो पिंजरा होता है अगर उसमें कोई पक्षी जो है रहता है तो वह अस्क बहाता रहता है, पिंजरे में बंद अस्क बहाता रहता है, तो उपेंद्रनाथ अस्क जी की एक कहानी मानी जाती है कौन सी, पिंजरा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। कभी भी जो है किसी पक्षी को पिंजरे में जो है बंद नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धरती अब भी घूम रही है कहानी किसने लिखी है, ये आपके लिए बताना है। वृंदावन लाल वर्मा ने, विष्णु प्रभाकर ने, भगवती चरण वर्मा ने या फिर भीष्म साहिनी ने, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा गया यहाँ पर, और 23 का सही राइट आंसर क्या हुआ होगा, बताइए क्या होगा, बिल्कुल नेहा जी। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर बी लगा दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है किसकी कृपा से, विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, तो विष्णु प्रभाकर की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, तो विष्णु प्रभाकर की कहानी है। और
शरणार्थी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 का सही आंसर बताना है अज्ञेय है, उपेन्द्रनाथ अस्क है, मुक्तिबोध है या फिर जैनेन्द्र है, बताइए। शरणार्थी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि शरणार्थी कहानी लवली जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है कि अज्ञेय जी की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर एक आपका जो है यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, काट का सपना और सतह से उठता आदमी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 25 में आपको चयन करना है, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं या फिर जैनेन्द्र हैं, चयन कीजिएगा। क्या होगा सही राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का आशीष जी, काट का सपना और सतह से उठता आदमी, तो कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 25 का सी राइट आंसरों का विकल्प नंबर सी यानी कि मुक्तिबोध आप सभी का सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, अनिल जी, प्रीति जी, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। और आपसे पूछा गया है 26वां क्वेश्चन, चीप की दावत कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीष्म साहनी है या फिर मोहन राकेश है या फिर अज्ञेय है या फिर जैनेन्द्र है, बताइए। चीप की दावत कहानी के लेखक आपसे पूछा गया है, और जो चीप की दावत है ये कैसी होनी चाहिए? चीप की दावत भीष्म होनी चाहिए, भीष्म यानी कि भीष्म से क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी आपका विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। चीप की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी माने जाते हैं। निठल्ले की डायरी की बात करें, निठल्ले की डायरी कहानी के लेखक हैं कौन है, बताइए। बिल्कुल तन्मय जी, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, राधिका रमण प्रसाद से हैं, हरिशंकर परसाई हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। निठल्ले की डायरी कहानी के लेखक आपके लिए बताना है। और क्वेश्चन 27वां पूछा गया है, 27 में आपका सी राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 28वां क्वेश्चन है, मुर्दों का गांव कहानी के लेखक आपके लिए बताना है, मुक्तिबोध है, सॉरी कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, अमरकांत है या फिर लक्ष्मी नारायण लाल है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। तो मुर्दों का गांव, तो क्या होगा सही राइट आंसर? मुर्दों का गांव कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर 28 में सही राइट आंसर आ रहा है कि मुर्दों के गांव में भी क्या होता है? धर्म होता है। मुर्दों के गांव में भी धर्म होता है, तो ये धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी धर्मवीर भारती, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी अमरकांतिक की नहीं है? नहीं बताना है, 29वां क्वेश्चन है और आप सभी के लिए सही राइट आंसर इन दोनों विकल्प में से ही चयन करना है, बताइए, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है, कौन सी कहानी अमरकांतिक की नहीं है? नहीं बताना है, तो 29 में आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, कानों में कंगना। कानों में कंगना ये वाला विकल्प जो है, विकल्प नंबर एक वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, तो 30 में आपका भी राइट आंसर है राजेंद्र यादव। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव जी की कहानी मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बात करें कसाई वाड़ा की,
कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 131 है और 131 का सही आंसर बताना है, चयन करना है, चयन कीजिएगा। तो आप सभी का सही आंसर है कि कसाईवाड़ा कहानी के लेखक तो माने जाते हैं कौन, शिवमूर्ति, सतीश जमाली या फिर मंजूर एहतेशाम या फिर अखिलेश। तो आप सभी का बहुत बढ़िया सही राइट आंसर होगा 31 में विकल्प नंबर एक यानी कि शिवमूर्ति। शिवमूर्ति आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कसाईवाड़ा ये जो कहानी है शिवमूर्ति की कहानी मानी जाती है, बिल्कुल सही आंसर। समानांतर कहानी के पुरोधा कौन है बताइए। समानांतर कहानी के पुरोधा बताना है अमरकांत है, मोहन राकेश है, राजन यादव हैं या फिर कमलेश्वर हैं। चयन करना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंश जी तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। समानांतर कहानी के पुरोधा माने जाते हैं कौन, 32 में डी राइट आंसर है कमलेश्वर। कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार। आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है, नहीं आपके लिए बताना है कौन सी नहीं है। राजा निर्वसिया, जानवर और जानवर, कस्बे का आदमी या फिर खोई हुई दिशाएं। 33 में चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रेशमा यादव जी क्या होगा सही राइट आंसर, कमलेश्वर की कहानी नहीं बताना है आपके लिए। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 33 में विकल्प नंबर जो आपका बी है वह सही राइट आंसर है, जानवर और जानवर। जानवर और जानवर आपका सही राइट आंसर होगा, जानवर और जानवर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। कमलेश्वर की कहानी नहीं मानी जाती है, किन की मानी जाती है कमेंट में आप जरूर बताएं, ये रचना किन की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 यहाँ पर पूछा गया है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मना स्थिति पर आधारित है, वह कहानी आपके लिए बताना है बताइए। बिल्कुल सुनीत जी करवाइए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर, 34वां क्वेश्चन है और 34 का सही राइट आंसर आ रहा है, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। तो सभी लोग बता रहे कि विकल्प नंबर डी वाला यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, मलबे का मालिक यहाँ पर सही राइट आंसर है, मलबे का मालिक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। बंद गली का आखिरी मकान कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या फिर फणेश्वर नाथ रेणु। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बंद गली का आखिरी मकान कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये पूछा गया आपसे। लाइक अवश्य कर लें सभी लोग, शेयर भी कर दें जल्दी से सभी लोग। और आप सभी का सही राइट आंसर है धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान में भी क्या हो रहा है, धर्म हो रहा है, धर्म। तो धर्मवीर भारती की रचना कहानी मानी जाती है। कब्बे और काला पानी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, 36वां क्वेश्चन है, चयन कीजिएगा। मार्कंडे है, निर्मल वर्मा है, भीष्म सायनी है या कृष्ण बलदेव वैद्य है। 36 का सही राइट आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर बताइए। तो 36 का सही राइट आंसर बताना है, कब्बे और काला पानी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं तो निर्मल वर्मा यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। संध्या जी विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दें, बिल्कुल सही सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है कि निर्मल वर्मा लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 37वां क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए। चार विकल्प दिए गए हैं, निर्मल वर्मा है, मार्कंडे हैं या फिर फणेश्वरनाथ रेणु हैं या फिर कृष्ण बलदेव वैद्य हैं। सरिता जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीता जी, मिथिलेश जी, निशा जी और सागर जी सही राइट आंसर होगा यहाँ पर। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक माने जाते हैं कौन, फणेश्वरनाथ रेणु जी।
रेणु आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा गया है, शिव प्रसाद सिंह की कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम चयन करना है। 38वां क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर क्या होगा आपका कविता जी सही राइट आंसर बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है काकू जी, क्या है सही राइट आंसर? 38वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर होगा कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय और भेड़िया, ये वाला विकल्प एक जो है आपका सही राइट आंसर है। शिव प्रसाद सिंह की कहानियां जिनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार विकल्प एक सही राइट आंसर होगा। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए, शिव प्रसाद सिंह है, रघुवीर सहाय है, फणीश्वरनाथ रेणु है या फिर निर्मल वर्मा है, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 39वां क्वेश्चन है और क्या होगा सही राइट आंसर? तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि लाल पान की बेगम, ये किसके पास है लाल पान की बेगम? तो लाल पान की बेगम है फणीश्वरनाथ रेणु जी के पास। तो लाल पान की बेगम इन्हीं की जो है एक कहानी मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल स्वतंत्र जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन है, हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? कई बार ये याद भी अपन कर चुके हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्कंडे है, निर्मल वर्मा है या शिव प्रसाद से है या उदय प्रकाश है। हंसा जाई अकेला तो मार्कंडे। मार्कंडे जी की ये जो है कहानी मानी जाती है, अपन को नहीं मानना लेकिन कंडे, तो हंसा जाई अकेला ये मार्कंडे जी की कहानी है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 41वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि बोलगा से गंगा कहानी किसकी रचना है ये आपको बताना है, फणीश्वरनाथ रेणु, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा या शेखर जोशी। बोलगा से गंगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 41वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन, लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो विकल्प नंबर बी आपका सही राइट आंसर है। सभी जगह जो है अभी जो है बारिश चल रही है सभी जगह। महाबोज की लेखिका बताना है, महाबोज एक इसके लेखिका बताना है, मन्नू भंडारी है, शैलेश मटियानी है, कृष्णा सोबती है या मैत्रेय पुष्पा है बताइए। रजनी जी क्या होगा सही राइट आंसर? आरती वर्मा जी, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्या होगा सही राइट आंसर? तो महाबोज की लेखिका बताना है, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है मन्नू भंडारी यानी कि विकल्प नंबर आपका जो एक है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर मन्नू भंडारी चयन किया कि ये तो सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। शेखर जोशी की कहानी, पहली कहानी आपके लिए बताना है 43 में, कौन सी इनकी पहली कहानी मानी जाती है, कोसी का घटबार या फिर बदबू, इन दोनों विकल्प में से आपके लिए जो है सही राइट आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 में सही राइट आंसर बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर है शेखर जोशी की पहली कहानी पूछा है, शेखर जोशी, कोसी का घटबार, कोसी जोशी, ये इस प्रकार जो है आप इसको याद कर सकते हैं, ये शेखर जोशी की पहली कहानी मानी जाती है, कौन सी? कोसी का घटबार। विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, आपका यहाँ पर क्या है 44वां क्वेश्चन है, पिता दर पिता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं ये आपको चयन करना है, रविंद्र कालिया है, ज्ञान रंजन है, रमेश बख्शी है, सतीश जमाती है बताइए। रजनी कुमारी जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिता दर पिता, हाँ सागर जी बिल्कुल, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है
पिता दर पिता कहानी के लेखक रमेश बख्शी मानी जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो सी है वैसे ही राइट आंसरों का सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि रमेश बख्शी यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अंश जी 45वां क्वेश्चन पूछा गया है, पिता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ज्ञान रंजन है, हिमांशु जोशी है, रविंद्र कालिया है या रामेश्वरी है? 45 का सही राइट आंसर बताना है तो क्या होगा सही राइट आंसर? और बिल्कुल सही राइट आंसरों का क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर यहां पर होंगे आपके ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ज्ञान रंजन माने जाते हैं। पिता के पास जो है ज्ञान का भंडार होता है, तो ज्ञान से ज्ञान रंजन और पिता ये जो है इन्हीं की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर खुशबू जी चयन किया है, अर्पित जी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 40 में चयन करना है। चार विकल्प दिए गए हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, दूधनाथ सिंह हैं, काशीनाथ सिंह हैं, हिमांशु जोशी हैं। चयन कीजिएगा सदी का सबसे बड़ा आदमी के लेखक कौन माने जाते हैं, 40 में बताना है। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा कि सदी का सबसे बड़ा आदमी है कौन? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जो है सदी के सबसे बड़े आदमी हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 47वां क्वेश्चन पूछा गया है कि माई का शोक गीत कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? गिरिराज किशोर है, दूधनाथ सिंह है, अज्ञेय है या फिर उदय प्रकाश है? 47 में चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। रश्मि जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, माई का शोक गीत कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और 47 में सभी लोग बी बता रहे हैं, दूधनाथ सिंह है। दूधनाथ सिंह आपका यहाँ पर सही राइट आंसरों का बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। लवली जी, तन्मय जी, आरुषि जी, सभी लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है। पेपर वेट कहानी के लेखक बताने 48वां क्वेश्चन है, चयन कीजिएगा गिरिराज किशोर है, महेंद्र भल्ला है या फिर गोविंद मिश्र है या हिमांशु मिश्र है? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 48 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? पेपर बेट और वीके एजुकेशन जी सही राइट आंसर की बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 48 में विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही, पेपर बेट आपका सही राइट आंसर होगा। पेपर ए, ए, हाँ, पेपर बेट जो है पेपर गिर गया तो पेपर से पेपर बेट, गिर से क्या हो जाएगा गिरिराज किशोर। बिल्कुल सही, इस प्रकार विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सरिता जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, आदम गंधे कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 पूछा गया है, गिरिराज किशोर, हिमांशु जोशी, जगदीश चतुर्वेदी या फिर गोविंद मिश्र बताइए। चार विकल्प आपके दिए गए अरुण जी, क्या होगा क्वेश्चन? महत्वपूर्ण 49वां क्वेश्चन है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि 49 में विकल्प नंबर जो आपका सी दिया गया जगदीश चतुर्वेदी वह आपका सही राइट आंसर होगा। अनितो जी जगदीश चतुर्वेदी आप सभी का सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विकल्प सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 आपसे पूछा गया है, सागर तट के शहर कहानी के लेखक कौन है बताइए? सुदर्शन है, हिमांशु जोशी है, ज्ञान रंजन है, रमेश बख्शी है? सागर तट के शहर कहानी है ए और 50 का सही राइट आंसर होगा आपका सागर तट के शहर भी क्या हो गए हैं, सागर तट के शहर भी जोश में आ गए हैं, सागर तट के शहर जोश में आ गए हैं। तो ये जो है हिमांशु जोशी की रचना मानी जाती है,
कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको आज की क्लास में लाए गए थे, तो लाइक शेयर अवश्य करके जाइएगा सभी लोग। रोज रात्रि में 10 बजे आपके लिए एक क्लास लाई जाती है, सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर एक क्लास होती है, उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। महत्वपूर्ण क्लासें आपके लिए लाई जाती हैं, ये फ्री लाइव क्लासें हैं। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय है। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं, मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे आपके। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हिंदी साहित्य के वाले ऐप पर मिलेगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें। और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल नीतू जी यहाँ पर जो है अपनी एक जो है, हाँ तन्मय जी, ये बुक अपनी जो है पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपन काव्यशास्त्र और इसी में जो संस्कृत के क्वेश्चन होंगे वह भी अपन पढ़ लेंगे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य सभी लोग कर लिया करें। बहुत ही कम लोग जो है लाइक में कंजूसी कर देते हैं, लाइक सभी लोग किया करें। सरिता जी और आरती जी, सुनीत जी, निशा जी, मनीषा जी, लवली जी, रीमा जी, अनिल जी, नीतू जी, तन्मय जी और रीमा जी, रतिपाल जी, प्रमोद जी और अल्ताफ अली जी, प्रीति पुरोहित जी, अनिल ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा गिल जी, पूजा जी और कल्पना जी, तनु जी, सागर जी, स्वतंत्र गुप्त जी और सरिता जी, आरती जी और अंश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पायल जी और नीतू जी, शिल्पा जी, तनु जी और खुशबू कुमारी जी, नामवीर जी, प्रमोद सैनी जी, हाँ तन्मय जी, बहुत बढ़िया। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पर्धा गुरुकुल जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा अवस्थी जी, तो सभी लोग जो है लाइक अवश्य कर लिया करिएगा सभी लोग वीडियो को। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि। और सुनील सिंह जी, सभी के लिए जय हिंद।